अगर आप शीन या क्लब फैक्ट्री से सामान खरीदते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हीना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शॉपोहोलिक हीना। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का वीडियो होने वाला है शीन एंड क्लब फैक्ट्री के ऊपर। इट्स नॉट अबाउट शीन और क्लब फैक्ट्री, ये होने वाला है एक चाइनीज वेबसाइट के ऊपर एक अपडेट के रिगार्डिंग। सो अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, तो ऐसा मैंने क्यों मेंशन किया है, इसके पीछे का रीजन ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा वर्डिक आया है कि वो लोग प्रॉपर तरीके से टैक्स एंड सारे जो भी एक प्रोसीजर होता है वो उसके तहत डिलीवरी नहीं कर रहे थे इंडिया में। इस वजह से चाइनीज प्रोडक्ट या फिर चाइनीज कंपनी के वेयर हाउस को यहाँ पे बैन कर दिया गया है। अगर आप शीन की वेबसाइट पर भी जाएंगे और अगर आप नया ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहां पे ये चीज आ रही है, वहां पे मेंशन हो रखी है कि डिलीवरी होने में थोड़ा जो टाइम उन्होंने दिया है उससे ज्यादा टाइम लग सकता है। तो वो रीजन मैं एक ये भी मानती हूँ कि मुंबई में वेयर हाउस है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट आते थे इम्पोर्ट होके बाहर चाइनीज कंपनी से, वो सील कर दिया गया। चीपर रेट देख के हमने शायद क्लब फैक्ट्री को आज के टाइम पे एक काफी बड़ा ई कॉमर्स वेबसाइट बना दिया है, जो कि आई थिंक वो डिजर्व भी करता था। बट उसके पीछे का हमने आज तक कभी सर्च आउट नहीं किया रीजन कि क्यों उनके इतने प्राइसेस कम है कंपैरेटिवली अदर वेबसाइट से। तो अभी एक्चुअली एक लेटेस्ट रिपोर्ट लास्ट वीक में जो है वो आई है, उसका लिंक ब्लॉग का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। है सबसे बड़ा जो अमाउंट एड होता है किसी भी प्रोडक्ट को बाहर आने में, वो होता है उसकी ड्यूटी फी, उसकी कस्टम चार्जेस वगैरह सारी चीजें उसमें इंक्लूड करने के बाद वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है जब वो एक कस्टमर के पास पहुंचता है। तो ऐसा ये वेबसाइट कैसे करती हैं कि हमें इतने कम रेट पे, इवन इंडियन वेबसाइट भी हमें इतने चीपर रेट पे प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करती है जितना कि ये चाइनीज कंपनी करती है। जो भी चीजें इम्पोर्ट होती है उसका कस्टम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कोई भी टैक्स बहुत ज्यादा अहमियत रखता है किसी भी कंट्री के लिए। जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली ये माना जाता है कि ये जो चाइनीज कंपनीज होती है ये अपने ट्रांजेक्शन में, यानी हमें जो शो करते हैं ट्रांजेक्शन उसमें ये दिखाते हैं कि ये एक बल्क ऑर्डर भेज रहे हैं, जबकि वहां से जो बॉक्सेज आते हैं वो ये सीधे डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। दोनों में ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अगर उसमें परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करेंगे कस्टम का, तो कम से कम 42.08% के हिसाब से वो सेव करते हैं, यानी ऑलमोस्ट 50% का उन्हें बेनिफिट होता है डायरेक्ट कस्टमर को वहां से भेजने में। एक और सिनेरियो एज पर द रिपोर्ट ये आई है कि सेकेंड जो उन्होंने वे आउट निकाला है इंडिया में चीजों को बेचने का, वो ये है कि इंडिया के अंदर एक ये भी कंडीशन है कि अगर आप बाहर से कोई फ्री सैंपल या गिफ्ट देता है अप टू 5,000 रुपीज, यानी 5,000 रुपए तक अगर कोई भी बाहर से सामान हमें सेंड करता है इंडिया में तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी उस पर किसी भी तरीके के कोई टैक्स नहीं लगता है। वो वहां से उसे एज अ फ्री गिफ्ट और सैंपल के तौर पे दिखाते हैं वो ट्रांजेक्शन में, तो इसके वजह से भी काफी ज्यादा अमाउंट उनका सेव हो जाता है। इसी वजह से वो हमें ये फ्री शिपिंग करके हमें सेंड करते हैं। और जहां तक हम बात कर लेते हैं शीन ऑफिशियल की, तो शीन की तरफ से ये वर्डिक आया है एज पर द रिपोर्ट कि उन्होंने आज तक जितने भी चीजें डिलीवर करी हैं वो हर एक कंट्री के गवर्नमेंट को पूरा टैक्स और पूरा जो उनका गाइडलाइंस होती है उसके अंदर रहते हुए ही चीजों को यहाँ पर सेंड किया है। तो अभी तक सिर्फ यही शीन की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, इसके अलावा जो है कोई भी अभी वर्डिक नहीं आया। तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने ये सोल्यूशन निकाला है कि जितने भी चाइनीज चीजें अगर बाहर से आएंगी, अगर कोई वहां से फ्री गिफ्ट या सैंपल भेज रहा है तो उसका आधार नंबर पासपोर्ट नंबर जो है उसके साथ लिंक कर दिया जाएगा, तो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन रहेगी। इस तरीके के वो लोग सोच रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो बाकी गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा इसका फ्रेमवर्क हार्ड करने के लिए सोच रहे हैं गवर्नमेंट, तो जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही है अगर इस तरीके की प्रैक्टिस चल रही है तो। अदरवाइज अगर जो भी कंपनी सही से आपको डिलीवर कर रही है, अगर आप वो सही रिपोर्ट वो शो करते हैं तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। बाकी रही बात चाइनीज प्रोडक्ट और इन सब की, कोई प्रॉब्लम नहीं है चाइनीज प्रोडक्ट को बाय करने में, प्रॉब्लम यह है कि अगर हर एक चीज फेयरली प्राइस और फेयर तरीके से की जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके क्या राय है इस पे तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, और क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या आपको इसके बारे में पहले पता था या नहीं पता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।